यूपी विधानसभा उपचुनाव में 11 सीटों पर 21 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट, 24 को आएंगे नतीजे। हरियाणा विधानसभा चुनाव 21 अक्टूबर को मतदान, 24 को आएंगे नतीजे। महाराष्ट्र में 21 अक्टूबर को होंगे चुनाव। हरियाणा विधानसभा चुनाव, बीजेपी और कांग्रेस के नेता बोले हम चुनाव के लिए तैयार हैं। आदित्य ठाकरे ने कहा कि बीजेपी शिवसेना के बीच सीटों के बारे में सिर्फ दो लोगों को पता है। यूपी की 11 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भी अधिसूचना जारी कर दी गई है। चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि 11 सीटों पर 21 अक्टूबर को मतदान किया जाएगा, 24 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि इन सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सपा, कांग्रेस और बसपा के कुछ उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने अभी किसी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। आज उत्तर प्रदेश की जिन सीटों पर विधान उपचुनाव की घोषणा हुई है, जलालपुर, प्रतापगढ़, रामपुर, लखनऊ कैंट, गंगोह, मानिकपुर, बल्लाह, इगलास, जैतपुर, गोविंद नगर और घोसी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीख की घोषणा कर दी है। राज्य में 21 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट, वहीं नतीजे 24 अक्टूबर को आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने आज चुनाव की तारीखों की घोषणा की। बता दें कि हरियाणा में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं, वहीं राज्य में वोटर्स की संख्या की बात करें तो 1.82 करोड़ वोटर्स हैं। हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 2 नवंबर को खत्म हो रहा है। उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार की आखिरी तारीख 19 अक्टूबर है। इसके बाद 21 को मतदान, फिर 24 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। यहां ये भी बता दें कि चुनाव आयोग द्वारा तारीखों का ऐलान किए जाने के बाद से ही आचार संहिता लागू हो गया है। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में 21 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा, वहीं राज्य में विधानसभा चुनाव के नतीजे 24 तारीख को आएंगे। महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा सीटें हैं। यहां बीजेपी शिवसेना गठबंधन की सरकार है। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 9 नवंबर को खत्म हो रहा है। चुनाव तारीखों का ऐलान करने के साथ चुनाव आयोग ने कहा है कि कोई भी उम्मीदवार 28 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता है। चुनाव आयोग ने हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया कि 21 अक्टूबर को वोटिंग होगी, 24 अक्टूबर को नतीजे आ जाएंगे। चुनावों की तारीख का ऐलान होते ही सभी पार्टियों ने अपनी अपनी जीत के दावे करना शुरू कर दिया है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री बीजेपी नेता अनिल विज ने कहा कि हम चुनावों की तारीखों का इंतजार कर रहे थे, हम पूरे तरीके से तैयार हैं, भले ही चुनाव कल करवा लिया जाए। भाजपा के कार्यकर्ता कभी बैरक में नहीं जाते, वे चुनाव के लिए तैयार हैं। वहीं कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है जिसको लेकर वो जनता के पास जा सकते हैं और कहें कि ये सुधार लाए हैं। हम किसान और आम आदमी के जीवन में तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए 370 की बात करते हैं, लेकिन 370 का नतीजा क्या होगा उसके बारे में बात नहीं करेंगे। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे व पार्टी के युवा नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि हम सिद्धांतों के साथ चलने में यकीन रखते हैं। बीजेपी और शिवसेना गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे पे कहा कि इसके बारे में सिर्फ दो लोगों को पता है, एक सीएम साहब को और दूसरे उद्धव साहब को। आदित्य ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में हमारा गठबंधन मजबूत है। देवेंद्र फडणवीस ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आदित्य ठाकरे के डिप्टी सीएम बनने को लेकर कहा था कि राजनीति में
कुछ भी संभव है। क्या आदित्य ठाकरे आगामी सरकार में डिप्टी सीएम बनेंगे? इस सवाल पर आदित्य ने कहा कि अगर मैं खुद के बारे में बात करूंगा तो लोग पागल कहेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो नसीब में लिखा होता है वो कोई और नहीं जनता देती है। सीएमओ दो साहब पोस्ट डिसाइड करेंगे।